जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अब एसपीजी ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसी के साथ प्रधानमंत्री का कार्यक्रम स्थल सील हो चुका है। 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री का यहां कार्यक्रम है। ग्राम उदय से भारत उदय कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होने जा रहा है। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। परिंदा भी पर मार नहीं सके ऐसा इंतजाम यहां हो चुका है। आज से एसपीजी ने जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अपने कब्जे में ले लिया और एसपीजी की अनुमति के बाद ही जीआरडी में किसी की प्रवेश मिलेगी। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने समेत अन्य व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के अधिकारी एवं जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की टीम लगातार प्रोटेक्शन को चाक चौबंद करने में जुटी हुई है। मानगो क्षेत्र में इस भीषण गर्मी में बिजली और पानी का संकट गहरा गया है। क्षेत्र के निवासी त्राहिमाम कर रहे हैं और प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए जुमना रोड को जाम कर घंटों यहां प्रदर्शन किया। शहर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर रहा है। ऐसे में मानगो क्षेत्र में बिजली और पानी का घोर किल्लत है। क्षेत्र के निवासी त्राहिमाम कर रहे हैं। अपनी परेशानी को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए मानगो निवासियों ने टिमना रोड को जाम कर प्रदर्शन किया, जिससे यातायात पर असर पड़ा। मानगो निवासी प्रशासन से अपनी परेशानी का दास्ता पहुंचाना चाह रहे थे। इस दौरान काफी देर तक यहां जाम लगा रहा। और बत्ती का बहुत दिक्कत है। पानी का बिल हम लोग महीना महीना भरते हैं, लेकिन पानी हम लोग को सही से नहीं मिल रहा है। एकदम आधा घंटा से भी कम पानी दिया जा रहा है। सुबह जो मिल रहा है वो कम से कम कितना, तो आधा घंटा से भी कम, 5-6 बाल्टी बंद हो जा रहा है। उसके बाद जो दिन में लाइन काटे काटे, रात को भी काट दे रहा, कम से कम रात को तो इंसान जो है कोई भी थक जाए। क्या दिक्कत है? रात में तो बहुत दिक्कत है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। इन तैयारियों के संबंध में सांसद विद्युत वरुण महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। आम लोगों से भी सांसद ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की। ग्राम उदय से भारत उदय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की सोच और निर्णय आम जनता तक पहुंचे, इसलिए सांसद ने आम लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील। साथ ही साथ उन्होंने कहा कार्यक्रम स्थल पर विशेष तैयारियां की जा रही है और आम लोगों के लिए पार्किंग की भी अलग से व्यवस्था है। उन्होंने कहा अत्यधिक गर्मी को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम भी किया जा रहा है। आगमन है जिसमें ग्रामीण उदय भारत उदय का उन्होंने शुरुआत करेंगे, संपन्न करेंगे, तो उसी के तहत उनका प्रोग्राम है। बात यही है कि अभी थोड़ा काफी हीट है, 45 से ऊपर गर्मी है, तो हम लोग उसी को लिए देख रहे हैं कि कैसे जनप्रतिनिधि के साथ साथ आम जनता जो है किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, पीने का पानी से लेके ठहरने बैठने के लिए और सुनने का। और उसी के तहत आज आपके माध्यम से लोगों को मैं सूचना देना चाहता हूं कि 12-12:30 बजे तक लोग आ जाएं, क्योंकि समय अभी तक मिनट टू मिनट अभी तक पहुंचा नहीं, इसलिए हम लोग को पता नहीं चल रहा। लेकिन हम लोग सभी मंडल इकाई से मीटिंग करके लोग को आने जाने का एक व्यवस्था करने का, सारे मेरा जिला अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष या संबंधित पदाधिकारी, जितने वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी लोग लगे हुए हैं प्रोग्राम सक्सेसफुल हो, क्योंकि गर्मी का चलते डबल मेहनत करना पड़ता है। अगर यही अगर थोड़ा सा 1.5 महीना पहले होता तो बेहतर एक उपाय होता, लेकिन चलिए परिस्थिति को देखते हुए सारे कार्यकर्ता कमर कस लिए सारे नेता, और इसको प्रोग्राम को बेहतर और सक्सेसफुल बनाने के लिए हम लोग प्रयास, बेहतर होगा
काफी लोग आ रहे हैं, काफी उत्सुक हैं, क्योंकि आज पंचायत राज व्यवस्था को माननीय प्रधानमंत्री ने ये अपने जेहन में उतारा है कि जब तक हम ग्राम और किसान को मजबूत नहीं करेंगे तब तक राष्ट्र पूरा मजबूत नहीं होगा। इसी है, सब अपने अपने तरीके से अपना बात रख सकता है, लेकिन ये भारत के प्रधानमंत्री का है और ये जो योजना के बारे में उन्होंने उस प्रोग्राम दिया है वो किसी पार्टी का नहीं बल्कि पूरा भारतवासी के लिए है। तो इसमें किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा, वो लोग कार्यक्रम करे भी नहीं करे उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है और सरकार दोनों ही मिलके इस और हम उसके संबंधित जो हमारे NDA में जो और पार्टी लोग सभी मिलके इस प्रोग्राम को सक्सेस करेंगे। और वो मुद्दा उनका मुद्दा दूसरा है, ये मुद्दा दूसरा है, इसीलिए हम चाहते हैं इसमें वो लोग भी शामिल होके पंचायत का विकास करने में जोड़े, वो लोग भी भागीदारी बने।